वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, स्प्लिट एसी है, उसका इंडोर सडनली बंद हो जाता है। कई बार आप देखे रहेंगे स्प्लिट एसी या एसी नॉर्मल कोई सा भी चल रहा है, चलते चलते क्या होता है, सडनली जो है इंडोर बंद हो जाता है, हवा देना बंद हो जाता है, रुक जाता है। और बहुत से जो भी एडवांस एसी आ रहे हैं, इन्वर्टर एसी आ रहे हैं या फिर नॉर्मल एसी है, तो उस पर कुछ लाइट ब्लिंक करने लगता है या फिर एरियर शो करता है, H6 E2 E3 जब बहुत से ऐसे टाइप के फॉल्ट आते हैं जिससे हमें कोड आते हैं जिससे हमें आसानी से ट्रैक कर सके, समझ सके क्या फॉल्ट है। इस तरह से फॉल्ट आ रहा है, एरियर आ रहा है, तो आप चार्ट में देख करके समझ सकते रहेंगे, उसको ट्रबल शूट फाइंड कर सकते रहेंगे। बट बहुत से एसी जो रहता है उसमें एरियर शो नहीं करता है, एसी जो है सडनली जो शट अप हो जाता है, बंद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है चलते चलते। अगर इस तरह से चलते चलते ही हमारा इंडोर बंद हो जा रहा है, ब्लोअर जो है रुक जा रहा है, बंद हो जा रहा है चालू होकर थोड़ा टाइम में, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, हमें क्या क्या चीज चेक करना चाहिए, कैसे रेडी करेंगे, ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर अगर हमारा चलते बंद हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। अगर इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम रहेगा तभी इस तरह से होता है, क्योंकि उसमें पावर जाएगा नहीं, वीक होने की वजह से बंद हो जाता है। अगर हमारा आज भी इस वीडियो में इंडोर के रिलेटेड ही हम बात करेंगे, अगर डायरेक्टली बंद हो जा रहा है, सबसे पहले हमें पीसीबी में पावर चेक करना चाहिए, पीसीबी में पावर जो है या नहीं है। अगर पीसीबी में पावर है तो ठीक है, उसके बाद आगे स्टेप लेंगे। अगर ब्लोअर मोटर ओनली बंद हो जा रहा है तो ब्लोअर मोटर का देखेंगे हम, ब्लोअर मोटर जाम तो नहीं है। कई बार रहता क्या है, उसके अंदर जो बुश रहता है वो जाम हो जाता है, मोटर जो है बैरिंग हो रहा है जाम हो जाता है, तो उससे क्या होगा, चलेगा चलेगा, हीट होगा, हीट होकर के बंद हो जाता है, डायरेक्टली वो बंद हो जाता है। तो उसे अब चेक करना, हमें मोटर फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चेक कर लेंगे। मोटर जो है हीट नहीं होना चाहिए, अगर हीट रहेगा तो मोटर के अंदर जो है उसके एक OLP लगा रहता है, थर्मल फ्यूज लगा रहता है, जो होता क्या है ज्यादा हीट होने पे बंद करा देता है, हीट से बंद करा देता है, जलता नहीं, बचा प्रोटेक्ट कर लेता है, सेव कर लेता है। बहुत बार भी चेक कर लेंगे, अगर ठंडा हो गया, ठंडा होने वजह से कंटिन्यू चेक करेंगे, कंटिन्यू शो करना चाहिए सभी पॉइंट, सभी वाइंडिंग में। अगर हमारा कंप्रेसर जो इसका वाइंडिंग जल जाएगा तो स्मेल आएगा, जाम होगा, वो आपको डायरेक्टली मालूम चलेगा। अगर हमारा ये मोटर सही है, फ्री है, चल रहा है, घूमकर स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे जो पीसीबी रहता है, पीसीबी से कनेक्टर जो रहता है, यहाँ पर कोई वायर लूज हो सकता रहेगा, जो रिलीज से जो बाहर पावर जाता है, सप्लाई जाता है मोटर को ऑन करने, ब्लोअर को ऑन करने के लिए, वहां से हम चेक करेंगे, वहां से जो पावर कोई सर्किट जो है शॉर्ट हो सकता रहेगा, ब्रेक हो सकता रहेगा या फिर लूज कनेक्शन हो सकता रहेगा। यह चीज आपने चेक कर लिया, अगर लूज कनेक्शन वाला नहीं है तो अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर उसका खराब हो सकता रहेगा ब्लोअर मोटर का, तो उस कंडीशन में हम कैपेसिटर चेक करेंगे, कैपेसिटर को नया डालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर सब कुछ वाइंडिंग वगैरह सही है। तो हमने कैपेसिटर भी डाल दिया है, कैपेसिटर भी सही है, फिर भी नहीं चल रहा है, या फिर चालू होता है, चालू होने के सडनली जो है 2-3 मिनट के बाद जो है बंद हो जाता है, तो कंडीशन में अगर हमारा पीसीबी से पावर आउट कर रहा है तो खुद का मोटर जो रहता है, मोटर के अंदर जो हमारा वाइंडिंग का प्रॉब्लम हो जाता रहेगा। एक चीज और हम बता दें, जो हमने फेस किया है, प्रॉब्लम किया है कि हमारा ब्लोअर मोटर रहता है उसमें 3 स्पीड रहता है, 3 स्पीड रहता है इंडोर ब्लोअर में। अगर 3 स्पीड है, तीनों स्पीड में से अगर कोई सा भी पावर वीक हो गया है, वायर जो है लूज हो गया है, कनेक्शन लूज हो गया है, या वाइंडिंग वीक हो गया, शॉर्ट हो गया है, तो मोटर चलेगा। एग्जाम्पल हमारा जो मीडियम का वायर है कट गया, ब्रेक हो गया है या फिर जल गया है, तो कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा फैन जो है लो मोड पर रहेगा चलेगा, हाई मोड पर रहेगा चलेगा, जैसे ही हमारा मीडियम पर आएगा रिलीज से जो हमारा करंट चेंज करेगा मीडियम मोड पर आएगा, कि उसका मीडियम पर आएगा, उसका जो हमारा कनेक्टिंग है जो रिलीज से पावर नहीं जा रहा है, या वायर जल गया है, शॉर्ट हो गया, लूज हो गया है, कोई भी कारण हो सकता रहेगा, तो कंडीशन क्या होगा, सडनली बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कई बार हम लोग जो रहते हैं एसी को ऑटो मोड पे करके चलाते हैं, जब ऑटो मोड पे हम चलाते हैं करते हैं तो इसमें क्या रहता है, हमारा ब्लोअर का स्पीड जो है ऑटोमेटिक तरीके से हाई लो मीडियम होते रहता है, स्पीड कम ज्यादा होते रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि जब हमारा कंप्रेसर चालू होगा
वो कंडीशन में क्या होगा, स्पीड जो है फैन का बढ़ जाएगा, हाई मोड पर चला जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे ही कूलिंग जब मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा टाइम चलेगा, उसके बाद मीडियम पे आ जाता है। और कंप्रेसर जो जैसे कि हमारा बंद हो जाता है, ठंडा मेंटेन हो जाता है, तो कंडीशन में क्या होता है, लो पर आ जाता है। अगर ऑटो मोड पर रखे रहेंगे तो इस तरह से अपने आप जो है इसका स्पीड चेंज होते रहता है, वेरिफिकेशन होते रहता है। अगर आपका वो कंडीशन में ब्लोअर मोटर का वायरिंग लूज रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ब्रेक रहेगा, टूटा रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो जैसे ही हमारा स्पीड चेंज होगा, एग्जाम्पल अगर हमारा हाई मोड पर फैन चल रहा है या फिर लो मोड पर जो हमारा वायर जल गया, कनेक्टर खराब हो गया, जैसे लो मोड पर आएगा बंद हो जाएगा, या फिर हम जो मीडियम पे चला रहे हैं, लो पे चला रहे हैं, जैसे ये हाई पे जाएगा, हाई का जो है वायर रहता है शॉर्ट हो गया है, ब्रेक हो गया है, लूज हो गया है, पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, पीसीबी से रिले खराब हो गया है, तो टाइम पे जाएगा तो हमारा सिस्टम में पावर सब कुछ रहेगा बट ब्लोअर मोटर नहीं चलेगा, बंद हो जाता है, सडनली हमारा बंद हो जाएगा। ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा मोटर में इस तरह से फॉल्ट देखने को मिलता है। अगर सब भी सही है, मोटर वगैरह कंटिन्यू सही है, सब कुछ सही है, पावर वगैरह आ जा रहा है, हाई स्पीड आपने चेक कर लिया, हाई लो मीडियम सब चल रहा है, फिर भी ये मोटर जो है 2-3 मिनट चलने के बाद बंद हो जा रहा है, तो उसके अंदर जो खुद का जो मोटर रहता है उसके अंदर पीसीबी लगा रहता है, आरपीएम सेंस करने के लिए एक सेंसर लगा रहता है, फीडबैक वायर जिसे हम कहते हैं। बहुत से मोटर रहेगा आपने देखा रहेगा, उसमें 5 वायर लगे रहते हैं, एक तो हमारा रहता है कामर और स्टार्ट रहता है, कैपेसिटर रहता है, उसके साथ साथ में और भी 2 वायर हमारा लगा रहता है, 2 वायर रहता है जो पीसीबी मोटर के पीछे साइड में रहता है, जिसे हम फीडबैक वायर कहते हैं। फीडबैक वायर अगर ये हमारा लूज हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा, उसमें पावर तो जाएगा, पावर जाएगा, मोटर वर्क होगा, स्टार्ट होगा, चलेगा चलेगा, पर जैसे ही उसका स्पीड का आरपीएम जो है सेंस नहीं करेगा, पीसीबी को फीडबैक नहीं जाएगा, तो पीसीबी समझेगा हमारा मोटर जो है नहीं चल रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, कुछ खराब है, तुरंत क्या करेगा, पीसीबी से जो रिले से पावर जा रहा है ब्लोअर मोटर को, उसे ब्रेक कर देगा, रोक देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा अगर फीडबैक वायर जो रहता है खराब हो गया है, लूज हो गया है, या फिर कई बार देखने को मिलता है उसके अंदर जो पीसीबी लगा रहता है, पीसीबी रहता है, छोटा सा सर्किट रहता है, वो हमारा खराब हो जाता है, जल जाता है, जल्दी खराब नहीं होता बट कई बार सिचुएशन ऐसा होता है जल जाता है, या फिर जो आरपीएम का सेंसर जो रहता है वो खराब हो गया, क्रेक हो गया, टूट गया है कोई भी कारण से, इस तरह से इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो इसे हमें नया चेंज करना चाहिए जो सेंसर रहता है, या फिर मोटर को रिपेयर कराना चाहिए, यह प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिस तरह से अगर प्रॉब्लम आता है जो फीडबैक वायर रहता है ब्लोअर मोटर का, ये अगर हमारा खराब हो जाता है, इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमने मोटर भी चेक कर लिया है, मोटर चल रहा है, थोड़ी 2 मिनट चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, स्पीड भी कम ज्यादा हो रहा है, 1-2 मिनट के बाद बंद हो रहा है, सप्लाई बंद हो रहा है, तो कंडीशन में फीडबैक वायर रहता है इसका प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्योंकि सेंस नहीं करता है, स्पीड को सेंस नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम होगा, इसे हम तुरंत चेंज करेंगे, रिपेयर कराएंगे मोटर को। ये प्रॉब्लम हमारा ज्यादातर बहुत सी ऐसी पुराने मॉडल में देखने को मिलता है, इस तरह से फॉल्ट। तो और भी बहुत से फॉल्ट हो सकते रहेंगे, वो अलग अलग पार्ट्स में हम जानेंगे, अलग टाइप के बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर हमारा एसी का ब्लोअर सडनली बंद हो जाता है तो क्या क्या चीज चेक करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे आइडेंटी करेंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेस कर रहे हैं फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्निशियन है, उन लोग तक वीडियो पहुंचा, उन लोग की मालूम चल सके क्या क्या फॉल्ट होता है हमारा एसी में। अगर आप एयर कंडीशन संबंधित कोई सा भी पीसी मोटर फ्रिज टूल्स वगैरह कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करिए, बाय करिए, अभी आकर उसमें चल रहा है बहुत से सब टूल्स के बारे में, तो उसका फायदा आप ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।